हम सब लोग आज सुबह हमने ट्वीट करके भी कहा था कि भाई जिस तेजी के साथ इन लोगों ने सदस्यता ली थी निचली अदालत के फैसले के बाद, तो अब क्यों देरी लग रही है। तो बड़ी खुशी की बात है कि आज उनको जो है सदस्यता वापस की गई है। और हमने पहले भी कहा था कि ये सारा काम जो है भाजपा के लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए विपक्षी नेताओं पर, जिस प्रकार से उनको बदनाम करने की साजिश की जा रही है, विपक्षी नेताओं को जिस प्रकार से कमजोर करने का प्रयास करना चाह रही है भाजपा के लोग, तोड़ना चाह रहे हैं, दबाना चाह रहे हैं, उतने ही विपक्ष के नेता और मजबूत हो रहे हैं और गोलबंद हो रहे हैं। और ये केवल तंग करने की वजह नहीं है। हम लोग कोई मोदी जी या अमित शाह का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन उन लोगों के आने के बाद जिस प्रकार से देश के इतिहास को बदला जा रहा है, जिस प्रकार से संविधान और लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, अगर सच बोल रहा है कोई व्यक्ति, चाहे वो कोई वर्ग का हो, किसी भी पेशे का हो, तो उस पर कार्रवाई जिस प्रकार से की जा रही है, ऐसा लगता है कि अघोषित इमरजेंसी है। तो राहुल गांधी जी को हम बधाई देते हैं, और हमारी तो मुलाकात उस दिन हुई न थी, आदरणीय लालू जी से मिलने राहुल गांधी जी आए थे और हम लोग सब लोग वहीं थे, 3-4 घंटा हम लोग साथ रहे, और हम सब लोग मिल करके एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। वही पहले भी कहे थे, जो लड़ेगा वो जीतेगा और जो डरेगा वो मरेगा।